सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पिछले 9 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से जितने भी वादे किए, सारे के सारे वादे जुमला और झूठ साबित हुए। वो चाहे 2 करोड़ नौकरियों का हो, काला धन लाने का हो, 15 लाख देने का हो, फसल का दाम दोगुना करने का हो, पक्का मकान देने का हो, महंगाई कम करने का हो, सारा वादा जुमला साबित हुआ। अब चुनाव के ठीक पहले इस देश की करोड़ों महिलाओं को जिस बिल का इंतजार था, महिला आरक्षण बिल, वो बिल जुमले के रूप में, झूठ के रूप में न लागू करने की नीयत से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं। और ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, महिलाओं को मूर्ख बनाने का बिल है ये। और ये बात हम किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये जो बिल आ रहा है, ये बिल लागू होगा या नहीं होगा, इस पर ही अपने आप में बड़ा सवाल है। 20 साल में लागू होगा, 25 साल में लागू होगा या लागू नहीं होगा, इसी को लेकर सवाल खड़ा हो गया। इस महिला आरक्षण बिल में जो 2010 में राज्यसभा के अंदर पास हुआ था, उसमें कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। यह था कि भाई 33% आरक्षण मिलेगा। अगर इनकी नीयत साफ होती तो राज्यसभा में पारित बिल लैप्स नहीं होता और उसी बिल को ये लोकसभा में पास कर सकते थे। पिछले 9 साल में वही बिल जो राज्यसभा में पारित बिल है, जिसमें यह प्रावधान नहीं है कि सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद बिल लागू होगा, वो बिल लैप्स नहीं हुआ, उसी बिल को लोकसभा में पास कर देते। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया, एक नया बिल तैयार किया, जुमला, एक जुमला बिल, महिला आरक्षण को बेवकूफ बनाओ बिल एक तैयार किया, महिला बेवकूफ बनाओ बिल। और उस बिल में कहा सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद लागू किया जाएगा और कोई समय सीमा नहीं दी। अब एक अमेंडमेंट हुआ है आर्टिकल 82 का, जो यह कहता है कि सेंसस के बाद ही डिलिमिटेशन होगा। और सेंसस कब होगा, 2031 में होगा। और 2031 के बाद कम से कम 2 से 3 साल सेंसस में लगेगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। तो जो डिलिमिटेशन पिछला हुआ था उसमें 7 साल लगे थे, तो अगर मान लीजिए 2 से 3 साल सेंसस में लगा तो हो गया 31 से लेकर 34, और उसमें 6-7 साल अगर इनके बीत गए डिलिमिटेशन कराने में, तो ये तो 2039 के बाद ये बिल आने की योजना बना रहे हैं। इस धरती पे कौन जिंदा रहेगा, कौन जिंदा नहीं रहेगा, हम लोग तब तक कौन सा दिन देखेंगे नहीं देखेंगे, कौन सा हमारे देश की करोड़ों महिलाएं न्याय पाएंगी नहीं पाएंगी, बिल लागू होगा नहीं लागू होगा, कौन देखेगा फिर इस बात को। तो ये क्या है महिला आरक्षण बिल, आप देश की करोड़ों महिलाओं को धोखा दे रहे हैं, एक नया जुमला फेंक रहे हैं आप। इतना बहुप्रतीक्षित बिल पहली बार 1996 में आया, दूसरी बार 1998 में आया, तीसरी बार 2002 में आया, चौथी बार 2008 में आया, फिर 8 में आया, फिर 2009 में आया, फिर 10 में आया। इतने लंबे 1996 से लेकर अब तक का सफर सोच लीजिए आप,
करीब करीब 23 और 4 27 साल हो गया, 27 साल का लंबा इंतजार, और उसके बाद आप एक बिल लेके आते हैं जिसको आपने फिर ऐसी योजना बना दी है कि जो बिल 2039 के बाद लागू होगा और लागू होगा भी नहीं, ऐसी आप योजना लेके आए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी जुमला है, एक झूठ है, और मोदी जी की सरकार क्रेडिट चोर सरकार है, हर चीज की क्रेडिट लेने की इनको होड़ मची रहती है। फ्लाईओवर आप बनवाइए, फीता ये काटेंगे, सड़कें आप बनवाइए, फीता ये काटेंगे, मेट्रो आप बनवाइए, फीता ये काटेंगे, इसरो में लंबे समय तक रिसर्च चलेगा, फीता और क्रेडिट लेने का काम ये करेंगे। तो क्रेडिट चोर सरकार है मोदी जी की सरकार, हर चीज का क्रेडिट लेने की इनको होड़ मची रहती है, और इसीलिए ये जुमला बिल लेके आए हैं। ये महिलाओं के आरक्षण के नाम पे महिलाओं को बेवकूफ बनाने का बिल है, ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी इस पर अपना विरोध दर्ज करा रही है और मोदी जी से मांग कर रही है कि अगर आपकी मनसा साफ है, नियत साफ है, अगर वास्तव में आप महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो 2024 में महिला आरक्षण बिल लागू कीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी का इतिहास है, आपने हमेशा महिलाओं के विरोध में काम किया। उन्नाव कांड हुआ तो आरोपी के साथ खड़े हुए, हाथरस कांड हुआ तो आरोपी के साथ खड़े हुए, पहलवानों का कांड हुआ तो आरोपी के साथ खड़े हुए, देश की महिलाओं के खिलाफ हमेशा एक मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, कभी महिलाओं के पक्ष में नहीं खड़े हुए, हमेशा महिलाओं के विरोध में, महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी खड़ी रही है, और ये महिला आरक्षण बिल भी उसी दिशा में एक कदम है। इसमें महिला आरक्षण लागू नहीं होगा और ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है, झूठ है। देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक आज हुई थी सुबह, और उसके बाद बहुत सारे दलों ने इसके समर्थन में अपनी बात कही है। आम आदमी पार्टी का जो पक्ष है वो आपके सामने अभी रख रहे हैं, वोटिंग के टाइम में क्या निर्णय होगा वो बैठ के हम लोग बातचीत करके तय करेंगे। और जहां तक इस बिल के लागू होने का जो विषय है, आम आदमी पार्टी महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, लेकिन 2024 में इसको लागू किया जाए। अगर आप इसको लटका रहे हैं, अगर आप इसको लटकाने की योजना बना रहे हैं, तो 2039 के पहले तो ये बिल लागू नहीं होगा, और पता नहीं लागू होगा भी कि नहीं होगा, ये एक अंधकार में ये विषय पड़ा हुआ है। इसलिए हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, वोटिंग के समय में क्या फैसला होगा उसको हम आपको जानकारी बाद में। चंद घंटों में आपको वोट करना है। इंडिया अलायंस जो आपका गठबंधन है वो कह चुका है कि हम जो है इस बिल का, उनको खामियां नजर आ रही हैं, पर बिल के समर्थन में, बिल को समर्थित। देखिए ऐसा है कि पार्लियामेंट के अंदर जब वोटिंग का समय आएगा, इस बिल पे जो हमें अपना पक्ष रखना है हम रखेंगे, वोटिंग का समय जब आएगा तो हम निर्णय लेंगे उस समय और आपको बताएंगे, उसके पहले बता देंगे आपको। लेकिन जहां तक इस बिल की जो खामियां हैं, मैंने आपको बता दिया, जब 2010 में यह बिल पास हुआ था इसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं था, मैं इन्वर्टेड कॉमा में दोहरा दे रहा हूं, ऐसा कोई क्लॉज नहीं था कि इस बिल को लंबे समय तक लटकाया जाएगा। लेकिन मोदी जी जो बिल लेके आए हैं वो बिल 20 साल के लिए लटकाने के लिए लेके आए, और लागू भी नहीं करेंगे, ऐसी जैसा इनका हर वादा झूठा निकला ये भी झूठा निकलेगा। तो इसलिए हम अपना इस बिल पे जो अपना पक्ष है, जो अपना विरोध है, वो दर्ज करा रहे हैं। बाकी पार्लियामेंट की चर्चा के दौरान भी हमारे सांसद इस विषय पर बोलेंगे, और वोटिंग के समय क्या हम निर्णय लेंगे वो आपको बाद में बताएंगे। वोट करना है समर्थन में, आम आदमी पार्टी कह रही है कि विचार करेंगे,
देखिए इंडिया गठबंधन में, देखिए ऐसा है, इंडिया गठबंधन में अलग अलग तमाम दल हैं, उसमें से समाजवादी पार्टी ने ओबीसी के रिजर्वेशन की बात की, माइनॉरिटी के रिजर्वेशन की बात की, उसमें आरजेडी ने ओबीसी रिजर्वेशन की बात की, जेडीयू ने ओबीसी रिजर्वेशन की बात की, कांग्रेस ने की, तो अलग अलग राय, लेकिन सबका एक स्वर में यह मानना था कि यह बिल एक चुनावी जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि 24 में लागू ही नहीं हो रहा और 39 तक ये नहीं लागू होगा। तो सारे इंडिया गठबंधन के दल इस बात से सहमत थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दरअसल महिलाओं को न्याय नहीं देना चाहते, आरक्षण नहीं देना चाहते, वो उनको बेवकूफ बनाना चाहते हैं और ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, तो इसलिए जो अपना विरोध है वो दर्ज कराएंगे। सर इनके वोट करने से पहले निर्णय ले लेंगे। भाई देखिए ऐसा है, हर पार्टी की अपनी स्वतंत्रता होती है, तो इंडिया गठबंधन की बैठक में एक राय बनी, अब उसको पार्टी अपने स्तर पे चर्चा करेगी और निर्णय लेगी। इस पर पार्टी का संसदीय दल, हम लोग बैठ के हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत करके, अरविंद केजरीवाल जी के साथ बातचीत करके निर्णय लेंगे, वोट देना है या नहीं देना इस पर निर्णय लेंगे। एक और बोला रिंकू जी।